नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे। जी हाँ, ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेज हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद ना खो दो। जो सबर के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। अरे आप भी धैर्य, विश्वास और सब्र से काम लो। अगर आप ऐसा करोगे तो हर चीज मुमकिन हो सकती है जो आप चाहते हो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। जीवन में सबसे कठिन दौर ये नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि ये तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। यूं ही ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बात छोटी करे तो दिल बड़ा कीजिए। आपको भी अपने सोच के दायरे को बड़ा करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि लोग क्या कहते हैं। और हाँ, दिल बड़ा जरूर रखिएगा और हमेशा प्यार से रहिएगा। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पे हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो लकी कलर यानी कि भाग्यशाली रंग है वो रहेगा आज के लिए नीला यानी कि ब्लू कलर। और भाग्यशाली अंक लकी नंबर रहने वाला है नंबर 9। आज का दिन है बड़ा लाभ कमाने का। आप कुछ ऐसी प्लेसेस पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जगहों पर कि उनकी जो योजना बना सकते हैं जो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा आपको तगड़ा लाभ दे सकते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसमें जो है आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो सही मायनों में आपको बहुत लाभ होगा। और वही लाभ आज सितारे कह रहे हैं कि आपको हो सकता है अगर आज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। आज आपको धन के मामले में सावधान भी रहना होगा। उधार पैसा देने की बजाय किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपके जो दोस्त हैं वो आज आपको कुछ अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है, जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। आज आपको पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। आपके आज स्वभाव में भरपूर उदारता और भावुकता रहेगी, काफ़ी विनम्रता वाला स्वभाव बना रहेगा। साथ ही में घर परिवार के सगे संबंधियों के साथ भी अच्छा समय स्पेंड कर पाएंगे। बाहर की जो गतिविधियां हैं और मित्रों से संपर्क हैं वो आपके लिए कुछ लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं ये। लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कोई बातचीत या फिर इम्पॉर्टेंट काम करने से सलाह सो पहले जो है आपको सलाह ले लेनी चाहिए। छानबीन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, वरना अगर आप ऐसा हो गया कि धोखे के शिकार हो गए तो नुकसान बहुत हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ जो है शुरू करने से पहले और किसी भी अनजान व्यक्ति के बातों में आने से पहले आप ज़रा जांच पड़ताल कर लीजिए कि वो बंदा ठीक है या नहीं ठीक है। तो इसके बारे में जो है आपको सतर्कता बरतनी है आज के दिन। इसी के साथ ही जो है आज का काम आपके लिए अपनी क्षमता और योग्यता की परीक्षा वाला हो सकता है। आप खुद को आजमाना चाहेंगे आज के दिन। आपको कुछ कामों में देरी भी हो सकती है या फिर कुछ काम जो है थोड़े समय के लिए आपके अटक सकते हैं। आपका मन करेगा कि बहुत ज़्यादा काम हो गया, चलो ब्रेक ले लेते हैं, तो उससे जो है आपका काम जो है वो लेट हो सकता है, अटक सकता है, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। आपको थोड़ा धैर्य के साथ काम भी लेना होगा। आज आपके परिजन और प्रियजन आप पर पूरा पूरा विश्वास जताएंगे। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा। परिस्थितियां जो हैं आपके पक्ष में ही बनती नजर आ रही हैं। आज आपकी राशि के जो स्वामी शुक्र की अपनी राशि में कुछ समय से स्थितियां आपके व्यक्तित्व को निखार रही हैं। साथ ही में आपका जो बोलचाल का लहजा है दूसरों को काफ़ी अट्रैक्टिव कर सकता है। अपने इन गुणों को
इनके जरिए जो है आर्थिक और व्यवसाय के मामलों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यानी कि ये जो गुण हैं जो आप में हैं, इससे आप जो है बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर पाएंगे आज के दिन। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाना और स्वार्थ की भावना की वजह से कई संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अपने इन गुणों का जो है पॉजिटिविटी रूप में ज़रा प्रयोग कीजिए ताकि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल पाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो आज बिजनेस और करियर कहता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य में लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ में कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिलने के योग नजर आ रहे हैं, उस पर अपना ध्यान फोकस करें। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उन व्यक्तियों को कोई स्थान परिवर्तन संबंधी सूचनाएं भी मिल सकती हैं। आज के दिन जो लोग गोल्ड के व्यापारी लेन देन करते हैं उनको थोड़ा बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। साथ में आज काम में देरी तो होगी ही, कार्यालय के लोग आपको निराश कर सकते हैं। टीचर्स को जो है आज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, शांत और सामान्य बने रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को तो अपनी वर्तमान में चल रहे कामों पर ही ध्यान फोकस करना है। किसी भी प्रकार के बदलाव करने की चेष्टा मत कीजिएगा क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है। व्यवसायिक गतिविधियां भी आपकी जो है वो नॉर्मल बनी रहेंगी आज के दिन। पैसा उधार देने का अच्छा समय नहीं है, मत दीजिएगा। आप ऐसे निवेश कर सकते हैं जो आपको शानदार रिटर्न दे सके। वही इशारा पहले जैसे है कि अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको आज अब बॉस से कुछ उपहार भी मिल सकता है। साथ ही सहकर्मियों से थोड़ा बचाव रखना होगा। सहकर्मी जो हैं आपके कुछ निराशाजनक प्रभाव आप पर जता सकते हैं, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपका शत्रु बन जाए और आपको जो बना बनाया काम है वो बिगाड़ सकता है। बस इस चीज़ पर जो है आप फोकस कीजिएगा आज के दिन। बाकी के लिए जो बिजनेस और करियर की चीज़ें हैं वो सब कुछ नॉर्मल और बढ़िया कही जा सकती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको किसी को सुझाव देते हैं क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। संभावनाओं के लिए खुले रहिएगा आज। आज आपका दोस्त कोई आपको जो है प्रपोजल कर सकता है। आपके अपने जीवन साथी और घर परिवार के प्रति सहयोग और समर्थन की भावना परिवार में बहुत ही खुशियों वाला माहौल पैदा करेगी। आज फ्रेंड्स के साथ भी पारिवारिक मनोरंजनदायक प्रोग्राम बन सकता है। अपने जीवन लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही बढ़िया आज आपको मौका मिल रहा है उनके साथ समय बिताने का। तो इस समय को जो है यूं ही ज़ाया मत कीजिएगा। हो सके तो उन्हें कहीं रेस्टोरेंट में लेकर जाइए, उनके साथ जो है डिनर कीजिए या फिर गप्पे लड़ाइए, बहुत अच्छा लगेगा। काम में देरी हो सकती है, इस वजह से जो आज जीवन साथी थोड़ा नाराज भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, शाम तक वो ठीक हो जाएगा। प्रोफेशनल कामों में भी आपको जीवन साथी का बेहतर संयोग देखने को मिल पा रहा है। बच्चों और जीवन साथी के साथ जो है मनोरंजन से रिलेटेड कार्य में आप समय स्पेंड कर पाएंगे। इसी के साथ ही आप घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल बना खुशनुमा माहौल बना रहेगा, जिसे आप भी फील एंड फ्रेश महसूस कर पाएंगे और आपका जीवन साथी भी बहुत ही बढ़िया महसूस करेगा। तो ये थे लव लाइफ। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ लाइफ के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि आज जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको जो है समय समय पर अपनी जांच करवानी चाहिए। लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक ढंग से खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए और हाँ, दवाइयाँ को टाइम पर लेते रहिएगा। जिन लोगों को दांत या दाढ़ में दर्द हो रही है आप जो है वो परेशान हो सकते हैं, जल्दी से इसका इलाज कराइए वरना आपको तकलीफ होगी। साथ ही में बाकी लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही सामान्य बना हुआ है, लेकिन बदलते मौसम के साथ आपको जो है थकान महसूस हो सकती है। इसी के साथ ही आपके मित्र आपको किसी को सुझाव तो देते ही हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, काम तो बनेगा, जिससे कि आपके सारी की मानसिक परेशानियां भी दूर होती नजर आ रही हैं। बदलता तापमान दिन को प्रभावित करेगा, बाकी सब कुछ ठीक कहा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको सूर्य चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और हाँ, गायत्री मंत्र का जो पाठ है, मंत्र जाप है, वो भी ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इसके साथ सूर्य को जल देते हैं और सूर्य उपासना या सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा आप पर प्रभाव पड़ेगा। तो पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी, इससे सब कुछ काम बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।